वेलकम टू गौरव आईटीए क्लासेज। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव सर आप सभी का गौरव आईटीए क्लासेज में स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, हम इसमें करने वाले हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चन, जो कि सेकेंड ईयर के लिए और सभी ट्रेड के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। हम इसमें कर चुके हैं टोटल 10 क्लास और आज हमारा है 11वां। हम इसमें टोटल क्वेश्चन करने वाले हैं 418, जिसमें से हम 95 क्वेश्चन इससे पहले कर चुके हैं। आज हम 96 से लेकर के 105 तक, यानी कि आज हम 10 क्वेश्चन इसमें करने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो जा करके प्लेलिस्ट से आप इससे पहले वाले 10 वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि पता नहीं आपके एग्ज़ाम में कौन से वीडियो से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। टोटल 418 क्वेश्चन है, इसी में से क्वेश्चन पूछेगा ये निश्चित है, और हर एक क्वेश्चन पे 2 मार्क मिलेगा, इसलिए आपका 25 नंबर का क्वेश्चन 25 क्वेश्चन होगा, जिसमें आपका टोटल 50 मार्क होगा। आप सभी 50 में 50 ला सकते हैं इन 418 क्वेश्चन करने के बाद, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगर आपको PDF चाहिए तो गौरव आईटीए क्लासेज नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ जुड़ करके आप लोग PDF इसका ले सकते हैं, और इससे पहले जितना पढ़ाया गया था उनका भी PDF वहीं डाला हुआ है, और आगे जो भी पढ़ाया जाएगा उसका भी PDF वहीं पे मिलने वाला है। तो आप लोग जल्दी से गौरव आईटीए क्लासेज नाम से टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे ज्वाइन जल्दी से हो जाइए। चलिए हम चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ, और हमारा पहला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए कह रहा है द सिंगुलर फॉर्म ऑफ लेंसेज, यानी लेंस वही जो आपके चश्मे में उपयोग होता है, या फिर आपके जैसे मिरर, यानी कि जो आपके साइड मिरर यानी कि गाड़ी में लगा होता है, तो मिरर के तरह ही एक लेंस होता है जो कि दोनों साइड से एक तरह से कह सकते हैं कि खुला रहता है, यानी कि उसमें किसी साइड से पेंट नहीं किया हुआ रहता है लेंस में। मान लीजिए लेंस इस प्रकार का भी हो सकता है जो कि उत्तल लेंस होता है, या फिर इस प्रकार का भी हो सकता है जो अवतल लेंस होता है, ठीक है। इस तरह से आप लोग दसवें में पढ़े होंगे और इस पर ढेर सारे क्वेश्चन भी किए होंगे। इसमें कह रहा है लेंसेज जो है ये तो एक ठो प्लुरल फॉर्म है, इसको सिंगुलर में कह रहा है, तो लेंसेज का सिंगुलर हो जाएगा LENS, लेंस। लेन कोई शब्द ही नहीं है, वो तो लेन वेन वाला हो गया, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क वाला, ठीक है, तो इसमें नहीं होगा लेन। अगर लेंसेज ऑप्शन नंबर डी में जो दिख रहा है आपको, ये तो जो ऊपर में लिखा हुआ है क्वेश्चन में वही है, तो ये भी नहीं होगा, और यहाँ पे एस के साथ ई नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा LENS, लेंस। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, और आप लोग को बता दें वहाँ जो कम्युनिटी में मैंने क्वेश्चन डाला था उसमें से 95% बच्चों ने सही आंसर दिया, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और भविष्य में एग्जाम में बहुत ही अच्छा करने वाले हैं। लेकिन 5% बच्चा ऐसा है जो कि गलत आंसर दिया, हो सकता है वो 5% बच्चा ऐसा हो जो कि अपने क्लास से ना हो, यानी कि यूट्यूब पे तो किसी के ऊपर भी जा सकता है, यानी कि किसी के स्क्रीन पे, तो वो वहाँ पे टिक किया होगा। हमें आशा है कि आप जो भी यहाँ पे पढ़े होंगे क्लास में वो तो कभी गलती करके नहीं आए होंगे, ठीक है। आगे भी जो भी कम्युनिटी में क्वेश्चन जाएगा उसे आप सही टिक करके आइएगा। अगर आपको नहीं लगेगा इसका सही आंसर क्या होगा, तो वहीं पे कमेंट में मैं पहले से ही आंसर पिन कर दे रहा हूँ, तो वहाँ पे आप लोग कमेंट में पहले वहाँ पे जो कमेंट आएगा उसमें आंसर होगा, तो आप पहले भी देख सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। चलिए आज का ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वर्ड इन एन एडजेक्टिव, यानी कि इसमें से एडजेक्टिव कौन सा है। एडजेक्टिव मतलब होता है विशेषण, तो इनमें से विशेषण को चुनना है। तो देखिए ब्यूटीफुल एक विशेषण है और यही इसका राइट आंसर भी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, पार्क, ये पार्क कोई विशेषण नहीं है, इसे कह सकते हैं किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम, तो स्थान के नाम में आ जाता है हमारा पार्क, तो ये हो जाएगा नाउन। वेव यानी कि तरंग, ये भी नाउन ही कह सकते हैं। सी यानी कि समुद्र, ओशियन, ये भी आपका नाउन का ही पार्ट होता है। तो ब्यूटीफुल जो है ये आपका एडजेक्टिव है, यानी कि ये विशेषण है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका कोई भी सही आंसर दे सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है नहीं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यह मिसकम्युनिकेशन कैन लीड टू, यानी कि मिसकम्युनिकेशन का मतलब होता है गलत फहमी, यानी गलत फहमी की वजह से क्या हो सकता है। अगर मिसकम्युनिकेशन हो गया यानी कि बातचीत में यानी संचार में किसी प्रकार की कोई त्रुटि रह गई तो उससे क्या हो सकता है। बिल्ड रिलेशनशिप, क्या रिलेशनशिप जो है वो मजबूत हो सकता है, क्या रिलेशनशिप बन सकता है, तो बिल्कुल नहीं बन सकता। गलत फहमी से रिलेशनशिप हमेशा टूटता है, बनता नहीं है। या हो जाएगा क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग, हाँ यानी कि अगर गलती से बोलने में गलती हो जाती है
मिसकम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का माध्यम बहुत सारा हो सकता है, चाहे टेलीविज़न हो या आपका मोबाइल फ़ोन हो, तो उसमें भी गड़बड़ी के कारण कम्युनिकेशन में गलती हो सकती है। तो इससे क्या होगा, क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग, यानी कि समझ जो होगा, समझने की जो शक्ति होगी उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाएगी, यानी कि आपको समझाना कोई और कुछ चाह रहा था लेकिन आप समझ कुछ और जाएंगे, इसलिए मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगा और इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग यानी कि उत्पन्न हो जाएगा क्या, गलत फहमी ही, इसको भी मिसअंडरस्टैंडिंग को भी गलत फहमी ही कह सकते हैं, यानी कि गलत फहमी से गलत फहमी ही उत्पन्न होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सी कह रहा है सक्सेसफुल प्लानिंग, क्या कोई प्लानिंग जो है, कोई प्लान कर रहा है तो वो सक्सेसफुल होगा, मिसकम्युनिकेशन की वजह से वो बिगड़ जाएगा लेकिन सक्सेसफुल नहीं होगा। सी इफेक्टिव रिजल्ट, यानी कि क्या प्रभावशाली रिजल्ट मिलेगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा, तो बिल्कुल नहीं मिलेगा अच्छा रिजल्ट, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन और 99 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन डैश, यानी कि प्रभावी संचार के लिए क्या चाहिए, प्रभावी संचार के लिए आपको क्या चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है कीप लिसनिंग, यानी कि ध्यानपूर्वक आप सुनते रहेंगे, यानी कि कीप मतलब होता है बनाए रखना, लिसनिंग मतलब होता है सुनना, क्या आप शांतिपूर्वक सुनते रहेंगे, या फिर कीप टॉकिंग, या शांतिपूर्वक आप बोलते रहेंगे। ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है लिसन एंड टॉक केयरफुली, यानी कि आप ध्यान से सुनेंगे भी और जो उचित होगा ध्यान से आप बोलेंगे भी, तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो सी है ये एकदम करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है लिसन केयरफुली, यानी कि सुनेंगे तो बड़ी ध्यानपूर्वक, बट टॉक अननेसेसरीली, यानी कि बोलेंगे वही चीज़, अनवांछित चीज़ें जो ज़रूरी नहीं है वो चीज़ बोलते रहेंगे, तो ये भी गलत कम्युनिकेशन होगा। अच्छा कम्युनिकेशन होगा कि जो सामने वाला बोल रहा है उसे ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और फिर उसके लिए उसका रिप्लाई देंगे, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लिसन एंड टॉक केयरफुली। ठीक है, इसका जो पीडीएफ दिया जाएगा आपको, वहाँ पीडीएफ में आप दो चार बार पढ़ लीजिएगा पीडीएफ को, एग्जाम से दो दिन पहले भी, एग्जाम से एक दिन पहले भी, जिस दिन एग्जाम है उस दिन भी कम से कम इस पीडीएफ को एक बार ज़रूर पूरा पूरा रिवाइज कर लीजिएगा, आपका 50 में से 50 नंबर आने वाला है और यही आपका औरों के मुकाबले बहुत अधिक नंबर ले पाएगा। ठीक है, आप बहुत आगे निकल पाएंगे और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन जो इंग्लिश ग्रामर का था वो थोड़ा सा टफ था वो हिंदी मीडियम वाले के लिए, और जो इंग्लिश में पहले से ही तैयार हैं, कुछ मजबूत हैं, तो उसके लिए कोई दिक्कत है ही नहीं, ये इम्प्रोबेबिलिटी स्किल बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, इसे आप मज़े के साथ पढ़ सकते हैं। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन तरफ चलते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेज आर, यानी कि प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस जो है, यानी कि प्राथमिक जो स्टोरेज मतलब जमा करने वाला, डिवाइस मतलब युक्ति, तो इसमें से कौन सा है। देखिए डिवाइस जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या आता है, प्राइमरी में आ जाता है रैम और रोम, रैम और रोम, जबकि सेकेंडरी में आ जाता है एचडीडी, यानी कि हार्ड डिस्क वगैरह जो भी होता है वो सेकेंडरी में चला जाता है, जिसे आप छू नहीं सकते, देख तो सकते हैं कभी कभी, कुछ कुछ ऐसा डिवाइस है जिसे देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, वो प्राइमरी में आता है। जैसे कि रैम और रोम जो है आपके मोबाइल का एक फंक्शन है, उसे आप देख तो नहीं सकते, लेकिन एचडीडी यानी कि हार्ड डिस्क में क्या आ जाता है, जैसे कि डीवीडी, सीडी, यूएसबी या डाटा केबल जो है, इन सबको आप छू भी सकते हैं, अनुभव भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे सेकेंडरी में हो जाएगा एचडीडी में। एचडीडी में क्या क्या आता है, यूएसबी आता है, सीडी आता है और डीवीडी आता है, यानी कि जो भी हार्ड कॉपी है वो आपका सेकेंडरी में आ जाता है, और प्राइमरी में आता है जो भी सॉफ्ट कॉपी होता है, यानी कि रैम और रोम जो है ये प्राइमरी डिवाइस है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। हमारा 101 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, कोई भी इसका आंसर दे सकता है, कोई भी वैसे बिना पढ़े लिखे भी। व्हाट इज स्ट्रेस, तनाव क्या है, और आजकल के युवा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि तनाव है उसके जीवन में, और इसका कोई आंसर गलत दे दे तो उसके जीवन में समझिए सबसे ज़्यादा तनाव है। ठीक है, यहाँ की तनाव क्या है, तो तनाव क्या है, आनंद की अनुभूति, फीलिंग द जॉय, फीलिंग ऑफ जॉय, यानी कि आनंद की अनुभूति को तनाव कहते हैं, नहीं नहीं उसे तो हम खुशी कहते हैं। आश्चर्य की अनुभूति, अगर सरप्राइज हो गया तो क्या वो तनाव है, नहीं वो भी खुशी की ही बात है, सरप्राइज जो है कोई अच्छा है वस्तु अगर आपके जानकारी न होने के बाद भी मिल जाता है आपको, तो वो यानी कि वो जो है वो सरप्राइज होता है। आनंद की अनुभूति यानी कि यहाँ जो फीलिंग डिलाइट भी, ये भी आनंद ही होता है, इसका आनंद की अनुभूति नहीं होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, फीलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन यानी कि निराशा की अनुभूति, नहीं कहते कि फ्रस्ट्रेट हो गया यार ये काम नहीं हुआ, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, यानी कि हो सकता है मेरा जो एग्ज़ाम है इसमें अच्छा नंबर नहीं आया इसलिए हमें
फ्रस्ट्रेशन हो रही है, यानी कि निराशा की अनुभूति होती है, फीलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन, यही है तनाव, स्ट्रेस यही है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाउ मेनी डेज डज इट टेक टू फॉर्म ए हैबिट, यानी कि आदत के बनने में कितने दिन लगते हैं। तो देखिए, ये आदत के लगने में उन लोगों के लिए है जिसे किसी भी चीज़ का आदत लगता ही नहीं है। वैसे तो आदत लगने के लिए 2 दिन 4 दिन 6 दिन 7 दिन, मतलब कि कुछ भी किसी भी दिन आदत लग सकता है। मान लीजिए आप अगर किसी ऐसे दोस्त होंगे जिनको आखिर सिगरेट पिलाना हो, 2 दिन पिला दीजिए, 3रा दिन खुद ही पीने लगेगा, ये भी आदत होता है। पढ़ने का आदत जो है ये सबसे बहुत देर से लगता है, इसे आप अगर आप 10 दिन भी बैठ के पढ़ाइएगा, फिर दूसरे दिन 11वां दिन वो खेलने के लिए चला जाएगा। यानी कि पढ़ने की आदत सबसे कठिन है, उसे लगाने के लिए बहुत दिन लगने वाला है, और ख़ास करके पढ़ने लिखने का जो आदत है उसके लिए 21 दिन लगता है। ये मापदंड है एक वैज्ञानिक तौर पे, तो 21 दिन का आदत होता है। बड़े बड़े लोग कहने के लिए मिल जाएंगे ये सब कि 21 दिन ये कर लो तो ये आदत लग जाएगा, और कहीं ना कहीं सही भी कहते हैं, क्योंकि 10 दिन 11 दिन 15 दिन जो ये सब दिया गया है, ये सब उन लोगों के लिए है जो कि थोड़ा सा अपने पढ़ाई लिखाई को लेकर थोड़ा सा सीरियस हैं, तो उनको 10 दिन में भी आदत लग सकता है, 2 दिन में भी आदत लग सकता है, और शुरुआत दिन से ही पढ़ना शुरू कर दे उसको आदत ही आदत है। लेकिन जिसे आदत है अब खेलने के लिए चला जाता है, फिर वो पढ़ने के लिए नहीं आता है, तो इस तरह के लोगों को जो आदत लगाने के लिए ज़रूरी है उसे 21 दिन तक रेगुलर अगर उसे ट्रेनिंग दिया जाए तो उसे आदत लग सकता है। तो ये जो है एक तरह से कह सकते हैं किताबी भाषा के लिए इसका 21 दिन इसका सही आंसर है, और आपको वहाँ भी सही आंसर करके आना है 21 दिन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यहाँ पे 0 गलत दिखा है, यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है, 21 दिन में कोई भी आदत लग सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन नया है, यानी कि इसे अगर आप पढ़ के नहीं जाएंगे तो गलत करके जरूर आएंगे। यानी कि फैक्ट्री एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन, यानी कि कारखाना अधिनियम कब पेश किया गया। तो ये कारखाना अधिनियम पेश किया गया था 1948 में, तो इसे याद कर लीजिए, इतना सारा हिस्ट्री पॉलिटी पूरा रट जाते हैं तो इसमें क्या है, एक ठू ही तो ये नंबर है 1848, तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें एक्सप्लेन करने जैसी कोई बात ही नहीं, क्योंकि ये तो संख्या है, ठीक है। 1848 में फैक्ट्री एक्ट को लागू किया गया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। ये है, वेज आर पेड, यानी कि मजदूरी दिया जाता है। अब मजदूरी जो दिया जाता है इसको अलग अलग तौर से हम समझ सकते हैं, जैसे कि मजदूरी जो है, एक सेकेंड, मजदूरी जो है अलग अलग दैनिक भी दिया जा सकता है, किसी को पर डे भी देते हैं, जैसे कि अपने लोग के यहाँ जो भी घर बनाते हैं राजमिस्त्री वगैरह उनको क्या करते हैं, हम दैनिक मजदूरी देते हैं। मान लीजिए 15 दिन काम किया, 2 दिन काम किया, 10 दिन काम किया, या फिर महीने भर काम किया, उसको भी क्या करते हैं, दैनिक देते हैं। मंथली क्या होता है, सरकारी इनकम जो भी आता है उनमें मंथली ही दिया जाता है, और अधिकतम लोग क्या है, सरकारी जॉब है, और ये भी किताब किसके अंतर्गत आता है, सरकारी के अंतर्गत आता है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, 21 दिन नहीं मंथली, यानी कि महीने का, हर महीने मजदूरी दिया जाता है, यानी कि महीने के हिसाब से मजदूरी दिया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है क्वार्टरली, यानी कि त्रिमासिक, और ऑप्शन नंबर सी डी में है वार्षिक। तो ये खास करके इंजीनियरों को दिया जाता है, मान लीजिए आप लोग सुने होंगे कि उसको इतना का पैकेज लग गया, तो पैकेज मतलब उनको साल भर का एक ही बार रुपया मिलेगा, और साल भर का तय कर दिया कि आपको इतना रुपया मिलना है, चाहे बीच में छुट्टी हो कुछ भी हो, लेकिन आपका जो पैकेज है यानी कि वो साल भर का ही होता है। तो इंजीनियरिंग के लिए खास करके इंजीनियर लोग को देते हैं वार्षिक, और त्रिमासिक भी इंजीनियर के लिए होता ही है, दैनिक होता है किसके लिए, मजदूरों के लिए, और महीने का क्या होता है, ये जो सरकारी लोग जो हैं सरकारी बाबू वगैरह इन सब के लिए महीने का दिया जाता है। तो यहाँ पे बुक में भी इसका मंथली ही दिया गया है, क्योंकि हर जगह मंथली ही इनकम दिया जाता है, ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन ए वर्कर कंट्रीब्यूट्स टू ब्रिंग द बेस्ट आउटपुट इन यूजिंग द अवेलेबल रिसोर्सेज, यानी कि ये जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, यानी कि जो कार्यकर्ता एक जब एक कार्यकर्ता उपलब्ध संसाधनों अवेलेबल रिसोर्सेज का उपयोग करके सर्वोत्तम उत्पाद लाने में योगदान देता है, तो वह क्या कहलाता है। यदि कोई वर्कर है और वहाँ पे जो संसाधन है उसका उपयोग करके अच्छा से अच्छा प्रोडक्ट बना रहा है तो उसे क्या कहेंगे, आप उसे कहेंगे प्रोडक्टिव, यानी कि उत्पादक, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी का, प्रभावी, तो नहीं, ये क्वालिटी की बातें कर रहा है, यानी कि क्वालिटी क्या है, इफेक्टिव या नॉट इफेक्टिव, यही क्या है, ये क्वालिटी है, ठीक है, विश्वसनीय ये तो अलग बात है, उसके प्रति आपका क्या प्रेम है, क्या ये स्वार्थ, मतलब अपने लिए सेल्फिश, ये भी नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि प्रोडक्टिव, यानी उत्पादक हो जाएगा, ठीक है। और ये आज का जितना भी क्वेश्चन था वो समाप्त हो गया। एक बार हम इसे रिकॉल कर लेते हैं, यानी कि शुरू से पढ़ लेते हैं। देखिए,
रिवीजन कर लीजिए। देखिए द सिंगुलर फॉर्म ऑफ लेंस है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लेंस। अगला क्या है, अगला है विच वर्ड इज एन एडजेक्टिव, तो ब्यूटीफुल जो है वो एडजेक्टिव है। उसके बाद है मिसकम्युनिकेशन कैन लीड टू, यानी कि गलत फहमी की वजह से क्या हो सकता है, गलत फहमी ही हो सकता है, यानी कि क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी प्रभावी संचार क्या है, तो प्रभावी संचार है कि अगर सुनेंगे भी केयरफुली और बोलेंगे भी केयरफुली, यानी कि ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ध्यान से बोलेंगे, जो जरूरी की चीज़ है वही बोलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस, तो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस में आ जाता है रैम रोम, जबकि सेकेंडरी में आ जाता है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में कौन से, डीवीडी, सीडी, यूएसबी, मॉनिटर, फोनिटर, जितना भी आता है वो सब हार्ड डिस्क हो जाता है और वो सेकेंडरी में आ जाता है। प्राइमरी में आता है रैम और रोम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तनाव क्या है, तो तनाव क्या है, वो फ्रस्ट्रेशन, फीलिंग द फीलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन, यानी कि निराशा की अनुभूति को ही तनाव कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी डेज डस्ट, हाँ यानी कि ये आदत बनने के लिए कर रहा है, तो आदत कितने दिन में बनता है, 21 दिनों में। चलिए अगला क्या है, कारखाना अधिनियम पेश किया गया, कब किया गया, 1948 में, इसे याद कर लीजिएगा। मजदूरी दिया जाता है मंथली, ठीक है, ये पूछ रहा है आपकी कोई इंजीनियर इंजीनियर के बारे में नहीं पूछ रहा, ये पूछ रहा है वैसे जनरल कैसे दिया जाता है, तो जनरल मंथली ही दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है यही कि जो व्यक्ति जो भी संसाधन है उसका उपयोग करके जो बेहतर बेहतर जो आउटपुट देता है, यानी कि अच्छा सत्ता उत्पाद बनाता है, उसे क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को पीडीएफ मिलेगा, गौरव आईटी क्लास है नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे जाकर के जुड़ के सारा सारा पीडीएफ लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, मस्त रहिए, खुश रहिए, जय हिंद।